देश में इन दिनों बिजली की भीषण संकट छाया हुआ है। थर्मल पावर प्लांटों में कोयले का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। नई सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं, इससे पर्याप्त बिजली पैदा नहीं हो पा रही। भीषण गर्मी और आर्थिक गतिविधियों की वजह से डिमांड आसमान पर है। ऐसे में लोगों को 10-10 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा। लेकिन बिजली संकट की सिर्फ यही वजह नहीं है। जानकारों का कहना है कि कंपनियों के पास पैसों की कमी, पहले से समस्या के तरफ ध्यान न देने और कई प्लांटों में मेंटेनेंस के चलते कम उत्पादन जैसे अन्य कारण भी हैं। बिजली मंत्रालय के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि मौजूदा बिजली संकट का सबसे बड़ा कारण संयंत्रों में कोयले की कमी है। परिवहन की समस्याओं की वजह से कोयला प्लांटों तक नहीं पहुँच पा रहा। कई राज्यों की सरकारें आरोप लगा रही है कि खदानों से प्लांटों तक कोयला लाने के लिए मालगाड़ियों की कमी है। इसे देखते हुए रेल मंत्रालय ने उपाय किए हैं। मालगाड़ियों के लिए रास्ता बनाने के वास्ते करीब 21 जोड़ी यात्री ट्रेनों के 753 फेरों को रद्द कर दिया गया है। इससे अगले महीने तक कोयला लेकर आने वाली मालगाड़ियों को रास्ता साफ मिलेगा। रेलवे के एक अधिकारी ने दावा किया कि बिजली मंत्रालय ने इस साल रेलवे से 421 रैक मांगे थे, जिसमें से 411 उपलब्ध करा दिए गए। लेकिन असली समस्या डिब्बों की कमी की नहीं, कोयला लदान और उतारने में लगने वाले समय की है। उन्होंने दावा किया कि इसमें 10 से 15 दिन तक लग सकता है, जिससे मालगाड़ी के डिब्बे खाली नहीं हो पा रहे। हालांकि ऐसी भी खबरें मीडिया में आई है कि रेलवे ने 450 रैक मांगे थे, लेकिन मिले सिर्फ 380। बिजली मंत्रालय का दावा है कि कोयला उत्पादन में कमी नहीं है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर की तुलना में इस अप्रैल में 27% ज्यादा कोयला उत्पादन हुआ है।